सो वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को रिच और वेल्दी होने की डेफिनेशन लिखनी है कमेंट सेक्शन में। अभी कभी लिखिए इट्स जस्ट चेकिंग योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अभी कभी रिच क्या होता है आपके हिसाब से और वेल्दी होना क्या होता है उसको इन शॉर्ट अभी कभी कॉमेंट सेक्शन में डिफाइन करिए। आई होप कि आपने इसका आंसर जरूर लिखा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हो दिस इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब का हम चैप्टर 9 इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वेल्थ व्हाट यू डोंट सी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज आपको पैसे को लेकर, अमीर बनने को लेकर जो एक सबसे बड़ा मिथ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बैठा हुआ है, वो मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हम सभी लोग अमीर बनने को लेकर, पैसा कमाने को लेकर एक बहुत गलत तरीके से सोचते हैं, जिसको इस किताब के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसल ने करेक्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। सपोज करिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और जैसे ही आप मॉर्निंग वॉक पर वॉक करते हुए जा रहे हो, साइड से आपको एक ब्रांड न्यू लग्जरी फरारी निकलती दिखती है, रेड कलर की। और लगातार एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जैसे जैसे आप समय गुजारते जाते हो, वो गाड़ी आपको हर रोज दिखती है। कुछ महीने हो जाते हैं, फिर एक ऐसा टाइम आता है माय डियर फ्रेंड कि वही गाड़ी, वही इंसान जो उस रेड फरारी को लेकर वहां से निकलता था, वही सेम इंसान आपको एक दिन ओल्ड व्हाइट कलर की होंडा सिटी से निकलते हुए दिखता है। और आप देखकर शॉक हो जाते हो, आपसे रहा नहीं जाता। आप क्या करते हो, फिर उस व्यक्ति के पास जाते हो और उससे पूछते हो, क्या हुआ सर, आपके पास तो ब्रांड न्यू लग्जरी रेड फरारी थी, आप इस व्हाइट ओल्ड होंडा सिटी में क्या कर रहे हो? और वो व्यक्ति बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट फील हुए, वो आपसे कहता है कि यार मैंने डिफॉल्ट कर दिया, लोन रिपे नहीं कर पाया तो बैंक वाले गाड़ी उठा ले गए, इसलिए अपनी पुरानी होंडा सिटी से ही मैं राइड कर रहा हूँ। वो जैसे ही आपको ये जवाब देता है माय डियर फ्रेंड, आपके माइंड में जो उस व्यक्ति को लेकर प्री अजप्शंस थे, वो सब के सब गलत प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से वो प्री अजप्शंस थे? वही जब आप उस व्यक्ति को रेड फरारी से निकलते देखते, तो आप उसे क्या बोलते, क्या सोचते थे आप कि यार ये कितनी महंगी गाड़ी है, यार इस इंसान के पास बहुत पैसा है, ये इंसान रिच इंसान है, एक रईस इंसान है, बहुत अमीर इंसान है। बट जैसे ही आपने उसके मुंह से ये बात सुनी, आपको लगने लगा कि वो सारे प्रीअसम्पशंस गलत थे, ये तो बिल्कुल खोखला इंसान निकला, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने इसको यहीं से ट्विस्टेड बना दिया है। उन्होंने आपके इस प्री अजप्शंस के रॉन्ग प्रूव होने को गलत ठहरा दिया। उन्होंने ये बोला है इस किताब के अंदर कि जो आपने अज्यूम किया था उस व्यक्ति के रिचनेस को लेकर, वो सारे के सारे अजप्शन सही थे। कोई भी व्यक्ति अगर 3 से 4 करोड़ की गाड़ी राइड कर रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है, तो उस गाड़ी को खरीदने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक होती है, उसका स्टेटस को चेक किया जाता है, उसके लास्ट कुछ सालों तक की उसकी जो इनकम होती है वो चेक करी जाती है, उसके बाद उसके लिए बैंक इस तरह की गाड़ी फाइनेंस करती है। तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, तो वो एक अमीर इंसान है, एक रिच इंसान है। लेकिन इसके साथ साथ ऑथर ने एक बहुत नई चीज़ इसके साथ जोड़ी है, वो ये है कि ये जो इंसान है जो आपको रेड फरारी से जाते हुए दिख रहा है, ये अमीर इंसान है, रिच इंसान है, लेकिन ये वेल्दी इंसान नहीं है, ये एक वेल्दी पर्सन बिल्कुल नहीं है। अब आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि रिच और वेल्दी होने में क्या फ़र्क है, यानी कि जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके अंदर कुछ लाइनें यूज़ करी हैं ऑथर ने, मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं लाइनों को पढ़कर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ऑथर ने कहा है कि इफ़ यू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स देन यू विल एंड अप विद द थिंग्स नॉट मनी। अगर आप चीज़ों पर पैसा खर्च करते हो तो लास्ट में आपके पास सिर्फ चीज बचती है, ना कि पैसा। अमेजिंग, यही इस व्यक्ति के साथ हुआ। भले ही इसको, चलो इतना इसका स्टेटस हो, प्रोफाइल अच्छी थी, इनकम ब्रैकेट अच्छा होगा, तभी गाड़ी फाइनेंस करी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं, इसके पास कोई कैश रिजर्व नहीं था, कोई पैसा, इसके पास सेविंग्स नहीं थी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी इसके पास, जिसकी वजह से ये उस कार की EMI पे नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर गया और फिर क्या हुआ, गाड़ी चली गई और फिर अपने वापस उसी ओल्ड होंडा सिटी में से ट्रेवल करना पड़ रहा है। यानी कि एक चीज़ देखिए, इसके पास कोई पैसा नहीं बचा, ऊपर से इसे, इसके पास क्या बचा, पुरानी होंडा सिटी, यानी कि चीज़ बची। सपोज करिए कि आपका बजट है 1 करोड़ रुपए का, आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, बट आपका एक कज़न है जिसका नाम है रमेश, रमेश 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है। अब आपकी वाइफ कहती है यार तुम्हारे कज़न के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तुम 1 करोड़ में चलाओगे, कैसे काम चलेगा, आपका बजट 1 करोड़ का है। आपने क्या किया, इधर उधर से पैसा उठाया, इधर उधर से 50 लाख और किए और आपने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। आपने क्या किया,
वैसे नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर ये फैक्ट है कि कोई भी इंसान उसका जो एक्चुअल बजट होता है उस बजट में गाड़ी नहीं खरीदता। हर व्यक्ति इंडिया के अंदर अपने बजट से ज़्यादा पुश करके गाड़ी खरीदता है। वही हुआ, 1 करोड़ बजट था, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। अब क्या होगा, अगर सपोज करो आप चलो उसके लोन रिपे कर लेते हो, उसका लोन उसकी जो ईएमआई वो पे करते हो, बट एट द एंड लास्ट में आपके पास क्या बचा, वो 1.5 करोड़ खत्म, गाड़ी की वैल्यू जीरो, कुछ नहीं बचा आपके पास, सिर्फ चीज़ बची वो भी खंडर, वही लोहा प्लास्टिक यही बचा और कुछ नहीं बचा। आपने चीज़ पर पैसा खर्च किया, लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचा। तो ये थी माय डियर फ्रेंड डेफिनेशन ऑफ रिच। इसको अमीरी बोला जाता है, इसको रिच बोला जाता है। व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन द थिंग्स देन यू विल एंड अप द थिंग्स नॉट मनी, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिच। बट इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा शब्दों का जो एक बोलते नहीं वर्ड्स के साथ खेलना वो करते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। ऑथर ने नहीं दिया चेंजेस, बट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। बट आप थोड़ा इसको सुनिए, फिर आप फील करिए कि मैंने आपसे सही बोला या फिर गलत बोला। व्हेन यू स्पेंड थिंग्स ऑन मनी देन यू विल एंड अप द मनी नॉट विद द थिंग्स। समझिए इस चीज़ को, व्हेन यू स्पेंड द थिंग्स ऑन मनी देन यू विल एंड अप विद द मनी नॉट द थिंग्स। यानी कि जब आप पैसे पर चीज़ें खर्च करते हो तो आपके पास लास्ट में पैसा बचता है, ना कि चीज़ें। फिर से उसी एग्जांपल पर चलते हैं, सपोज करते हैं कि आपका बजट है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया, बढ़िया बुद्धि जिसे बोलते हैं, आपने सोचा यार मैं 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, 1 करोड़ की नहीं मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदता हूँ, 50 लाख रुपये बचाता हूँ, इसको इन्वेस्ट करेंगे, इसको लगाएंगे, इससे और पैसा कम पाएंगे। आपने क्या किया, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपये कर दिए इन्वेस्ट। अब आपने क्या किया, आपने पैसा चीज़ों पर खर्च नहीं किया, आपने पैसे पर चीज़ खर्च कर दी। 1 करोड़ की चीज़ को आप 50 लाख रुपये पर लेकर आ गए, यानी कि आपने चीज़ को खर्च कर दिया, तभी तो कम रह गई। और आपने क्या किया, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपये लगा दिए। अब लास्ट में क्या होगा, उस केस में क्या हुआ, 1 करोड़ बजट था, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, एट द एंड गाड़ी की वैल्यू जीरो, खंडर, वही लोहा प्लास्टिक वही बचा और कुछ नहीं बचा आपके पास। यहाँ पर वो 50 लाख की जो गाड़ी है जो आपने खरीदी उसकी वैल्यू जीरो होगी, वो भी एक तरफ पर लोहा और उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा जो 50 लाख रुपये आपने बचाए थे, जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे कुछ सालों के बाद, वही 50 लाख रुपये कब 5 करोड़ 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि एट द एंड आपके पास पैसा बचा, दिस इज कॉल्ड वेल्थ। और ये डेफिनेशन है वेल्थ की, इफ यू स्पेंड थिंग्स ऑन मनी देन यू विल एंड अप विद द मनी नॉट द थिंग्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। इसको बोला जाता है वेल्दी होना। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम वेल्दी और वेल्थ के बारे में सोचते नहीं है। हम अमीर बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारी किताबें भी यही हमें सिखाती हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर भी आपको यही बताते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स भी आपसे आपको पुश करते हैं, यार तुझे अमीर बनना, तुझे पैसा कमाना है। इवन मैं भी अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको इस चीज़ को लेकर मोटिवेट करता हूँ कि हमें अमीर बनना है, रिच बनना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमें रिच बनने से ज़्यादा फोकस करना है वेल्दी होने पर। मैं आपसे सिंपल सी एक चीज़ पूछता हूँ, एक तरफ लिखा हुआ है रिच और दूसरी ओर लिखा हुआ है वेल्दी, एक तरफ लिखा हुआ है अमीर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है धनी। आप अपने दिल पर हाथ रखो और बिल्कुल इसको फील करते हुए सोचो और फिर मुझे बताओ कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा बोलते नहीं एक बोल्ड कौन सा वर्ड लग रहा है, रिच या फिर वेल्दी, अमीर या फिर धनी, कौन सा लग रहा है। आप किसी सेठ के पास जाते हो, सेठ कौन, बनिया, किसी भी सेठ के पास जाते हो आप, ठीक है, जो गल्ले पर बैठता है, सेठ के पास जाकर आप कभी बोलते हो, और सेठ आप तो बहुत अमीर हो, आप तो बहुत रिच हो, कभी बोलते हो, नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो, सेठ तुम तो बहुत धनी हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, तुम बहुत धनी हो, बोलते हो। वही एक कॉरपोरेट के अंदर काम कर रहा है, उस बंदे की ईयरली जो पैकेज है वो 5 करोड़ का है, उस व्यक्ति के पास बैठकर क्या बोलोगे, सपोज करो उसका नाम राहुल है, उससे आप क्या बोलोगे, और राहुल तुम तो बहुत रिच हो गए हो, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत अमीर हो गए हो, क्यों भाई, उसको करंट इनकम दिख रही है, 5 करोड़ कमा रहा है वो, और इधर ही सेठ तुम तो धनी हो। तो यहाँ पर शब्दों का अपना एक अलग सेंस निकलता है। जब आप किसी से अमीर बोलते हो वो एक अलग तरह चीज़ को इंडिकेट करता है, बट जब आप किसी से धनी बोलते हो वो एक अलग चीज़ को इंडिकेट करता है। डिपेंड करता है कि हम कैसी शब्दावली यूज़ करते हैं पैसे को लेकर। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल से जो इस किताब के अंदर ऑथर ने बताई है
एक दो वर्डों का यूज करके डिफाइन किया रिच को और वेल्थ को। रिच ऑथर ने बोला है योर करंट इनकम, और वेल्दी होने को ऑथर ने बोला योर हिडन इनकम। उसकी 5 करोड़ रुपए मंथली इनकम दिख रही है, इसके बेसिस पर ही आप उसे जाकर बोल रहे हो कि तुम बहुत रिच हो गए, तुम बहुत अमीर हो गए हो। और ये जो व्यक्ति है ना, जो सेठ है, सेठ ज़्यादा ओवर शो नहीं करता, दिखाता नहीं कुछ भी, लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं पैसा सही जगह जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, हिडन, किसी के सामने नहीं आ रही है, बट पैसा अंदर ही अंदर 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 इस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो और कमा कर दे रहा है, हिडन इनकम। इसको बोला जाता है वेल्दी होना। यही तो रीज़न है वॉरेन बफे जैसे, चार्ली मंगर, राकेश झुंझुनवाला जैसे, कोई लग्जरी शुरुआत में आपने इनके पास देखी, कुछ नहीं देखी, पैसे को लगाते हैं, किसी को पता ही तक नहीं है कि भाई इनका पैसा यहाँ यहाँ इन्वेस्टेड है, 50-65 साल के बाद पता चला कि इतनी नेटवर्थ हो गई है। दिस इज वेल्दीनेस होना। और वहीं रिच, थोड़ा सा इनकम बढ़ी नहीं, पैसा आया नहीं कि उड़ाना और दिखावा स्टार्ट कर दिया, इसको बोला जाता है रिचनेस। और हम सभी लोग रिच होने के पीछे दौड़ रहे हैं, ना कि वेल्दी होने के पीछे। दो लाइन से मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, और वो दोनों लाइनें अगर आपने समझ ली तो आप इस चैप्टर का एक्चुअल में जो मतलब है वो आप लेकर चले गए। तो वो दो लाइनें क्या हैं? दैट इज, इफ़ यू आर अ रिच पर्सन देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर ऑल्सो अ वेल्दी पर्सन, बट इफ़ यू आर अ वेल्दी पर्सन देन इट इज़ नेसेसरी दैट यू आर ऑल्सो अ रिच पर्सन। आप समझे इस चीज़ को? अगर आप एक रिच इंसान हो, उस फरारी वाले पर्सन की तरह दिखावा कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक वेल्दी पर्सन भी हो। लेकिन अगर आप वेल्दी पर्सन हो, वेल्दी इंसान हो, उस व्यक्ति की तरह जिसका बजट 1 करोड़ था लेकिन उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आप एक रिच इंसान भी हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिच और वेल्दी होने में क्या डिफरेंस है, और हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और हमें किस चीज़ के पीछे जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें खर्चे नहीं करने, महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी, खरीदनी है, बट कैसे खरीदनी है वो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, सारी की सारी क्रोनोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ। होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट जितने भी वीडियोस हैं सारे देखो, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके ज़मीन पर आकर, जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ, क्योंकि किताब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 2-3 बार में तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से चैप्टर को जो है ऑथर ने समझा है। लेकिन मैंने उसको जितना हो सकता है उतना ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। होप कि आप समझो, इसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ सुनकर मत चले जाओ। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका कमेंट सेक्शन में जवाब लिखो, उसका जवाब ज़रूर लिखा करो, इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।